कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने रेमो डिसूजा के नाम के आगे कुछ हिट फिल्में हैं। वे बहुत अच्छे निर्देशक तो नहीं हैं, लेकिन अपनी टारगेट ऑडियंस को खुश करना जानते हैं। एनीबडी कैन डांस का सीक्वल एबीसीडी 2 के नाम से लेकर आए हैं। पिछली फिल्म हिट रही थी, इसलिए इस बार रेमो को बड़ा बजट मिला है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जैसे स्टार्स ने उनकी फिल्म में काम किया है। लास वेगास में फिल्म की शूटिंग की गई है। नाला सोपारा के एक डांस ग्रुप की प्रेरणा से फिल्म की कहानी लिखी गई है। सुरेश, विनी और उनके साथियों का मुंबई स्टनर्स नामक एक ट्रुप है। एक डांस कंपटीशन में उन्होंने एक इंटरनेशनल डांस ग्रुप के स्टेप्स कॉपी कर परफॉर्म कर दिया। चोरी पकड़ी गई और लोग उन्हें चीटर्स कहने लगे। इस दाग को धोने के लिए वे लास वेगास में ग्लोबल हिप हॉप डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। कैसे वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पैसे जुटाते हैं, किन मुश्किल हालातों से जूझते हैं, क्या वे जीत पाते हैं, इन बातों के उत्तर मिलते हैं एबीसीडी 2 में। भले ही रेमो डिसूजा इस लायक नहीं बने हों, लेकिन उन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन जिम्मेदारियां उठाई हैं। कहानी और स्क्रिप्ट लिखी है, कोरियोग्राफी के अलावा डायरेक्शन भी किया है। रेमो यदि लिखना छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छी फिल्म बना सकेंगे। इंटरवल तक तो उन्होंने किसी तरह कहानी को खींच दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें समझ नहीं आया कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। कहानी के नाम पर जो कुछ भी है वो एबीसीडी से मिलता जुलता है। उनके बुरे लेखन को बचाता है कुछ शानदार डांस, गाने, एक्टिंग, 3D इफेक्ट्स और कुछ हद तक डायरेक्शन। निर्देशक के रूप में वे बीच बीच में मनोरंजन के अवसर दर्शकों को उपलब्ध कराते रहे, जिसके कारण फिल्म में रुचि बनी रहती है। प्रभुदेवा, वरुण, धर्मेश, पुनीत के एंट्री वाले डांस तो बेहतरीन हैं। क्लाइमेक्स भी अच्छा है, जिसमें देशभक्ति का तड़का रेमो ने बखूबी लगाया है। कोरियोग्राफर के रूप में रेमो का काम बेहतरीन है। हैप्पी आवर, बेजुबान फिर से और वंदे मातरम की कोरियोग्राफी देखने लायक है। भव्य सेट, रंग बिरंगी रोशनी और शानदार डांस देखना विजुअल ट्रीट है। 3D इफेक्ट्स फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में एबीसीडी 2 के पहले इतने बेहतरीन 3D इफेक्ट्स कभी नहीं देखे गए। यदि आप फिल्म देखना चाहें तो 3D में देखें, इससे मजा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। चूंकि फिल्म एक ग्रुप की कहानी है, इसलिए लीड रोल में होने के बावजूद वरुण धवन को ज़्यादा फुटेज नहीं दिया गया है। वे ग्रुप का एक हिस्सा ही नजर आते हैं। एक्टिंग से ज़्यादा वे डांस के द्वारा प्रभावित करते हैं। श्रद्धा कपूर को ज़्यादा अवसर नहीं मिले हैं। यूं भी रेमो की फिल्मों में महिला किरदार के लिए कम जगह ही रहती है। बाकी लोग कलाकार कम, डांसर्स ज़्यादा हैं। एबीसीडी 2 में कुछ दिक्कतें हैं, इसके बावजूद यह फिल्म अपनी टारगेट ऑडियंस को खुश करती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देता हूँ।